करेंगे. वेरी गुड. सिंपल सिंपल है. पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस आपको लानी पड़ेगी. और पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस, मैंने एक दिन आपको एक और बात भी कही थी आपके प्रोग्राम में ही कही थी कि सिंगापुर का जो सिंगापुर की टैक्स अथॉरिटी का जो चीफ है उसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव से जो सिंगापुर में काम कर रहे हैं. मतलब ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंगापुर जो सिंगापुर की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है. यार बिहार के जो अभी उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं या तो पावर के लिए या बेईमानी के लिए या किसी के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए चेयरमैन एफबीआर बन जाऊं, यही कह रहे हैं ना. क्योंकि तनख्वाह तो है नहीं. तनख्वाह तो है नहीं. ठीक है, तो आप किस लिए बनेंगे? इसीलिए या तो आप किसी की पावर को सपोर्ट करने के लिए बन जाएंगे या आप किसी या आप पैसे कमाने के लिए बन जाएंगे या अपनी कोई हैसियत देने के लिए बन जाएंगे. तो साहब मुझे नवाज शरीफ के दौर की एक बात याद आती है कि जब वो पावर में आया तो उन्होंने एक बाहर से किसी बैंकर को मोइन खान को लेकर आए. उनकी तनख्वाह शायद उस जमाने में 10 लाख लग गई. एक हंगामा हो गया यहाँ 10 लाख रुपए, जबकि ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट्स को तो बहुत कम पैसे मिलते थे उस जमाने में. 1 लाख रुपए भी नहीं थी आम तनख्वाह. तो खैर वो थोड़े दिन रहे बेचारे, फिर चले गए. दैट इज द लेवल. मोइन खान को अगर आप बाहर से लाएंगे तो 10 लाख देना पड़ेगा. नवाज शरीफ को ये बात समझ नहीं आई कि मोइन खान चेयरमैन सीबीआर तो लगा दिया मगर जो 22,000 आदमी थे वो उसी ग्रेड के. हाँ वही तो. अब तो एक आदमी क्या करे. हाँ वो 22,000 आदमी ने उसको उसे सपोर्ट नहीं किया. और अगर आपको पूरा अगर मोइन खान की साहब की पूरी जिंदगी याद हो तो वो टेंशन में टैक्स ऑफिस के कमरे में फौत हो गए. अगर आपको जी, अगर जी, आपको जी, याद जी, है जी, उनकी, मुझे उनकी डेथ का वाकया भी याद हो. ही डाइड इन सर्विस. जी जी डाइड इन सर्विस. तो अब आप मुझे जो बात शायद मियां नवाज शरीफ को समझ नहीं आती और लोगों को समझ नहीं आती कि ब्यूरोक्रेसी का टॉप पे बंदा बाहर से बैठा देने से तब्दीली नहीं आती. मैं फिर आपको वापस स्ट्रक्चर चेंज मैं फिर आपको वापस आ रहा हूँ. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या SECP